Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में अलर्ट है और इसे महामारी के रूप में घोषित करते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सजगता है। आप देख सकते हैं इस समय हम वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय अस्पताल में मौजूद हैं। कितनी सजगता, और अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, 24 आवर्स डॉक्टरों की टीम जिसकी मॉनिटरिंग कर रही है ताकि कोई भी संदिग्ध रूप से कोरोना वायरस का जो संक्रमित है वो व्यक्ति पकड़ में आए और इस महामारी को, महावायरस को फैलने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम अलर्ट के रूप में है। Scarlet's Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. डॉक्टर साहब, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे पंडित दीनदयाल में उपलब्ध है कोरोना को लेकर? पूरी कंप्लीट व्यवस्था है यहाँ पर, कोई भी ओपीडी व्यवस्था है और इंडोर की व्यवस्था है। पेशेंट कोई भी आता है सस्पेक्टेड उस एरिया से जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हैं, जहाँ से जर्नी करके आता है, कोई कांटेक्ट जो बीमार है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अगर अपना चेकअप कराना आता है तो ओपीडी यहाँ व्यवस्था है जहाँ पर डॉक्टर से एग्जामिन करते हैं। अगर उस पेशेंट को कोई लक्षण दिख रहा है तो उस लक्षण के अनुसार सैम्पलिंग की जाती है। बाकायदे हमारी लैब की टीम है, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन है, पूरी टीम है, सैम्पलिंग करके उसको जो है पहले लखनऊ भेजा जाता था, अब इस समय बीएचयू, कल से बीएचयू में ही व्यवस्था की गई है सैम्पलिंग सैंपल भेजने की। अगर पेशेंट कोई बीमार भर्ती करने लायक है तो उसके लिए हमारे पास 10 बेड है, इस 10 बेड में पेशेंट एडमिट होते हैं। बाकायदे सारी व्यवस्थाएँ हैं उसको मॉनिटरिंग के लिए, अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इसको, पेशेंट सिम्टोमेटिक सिम्टम नहीं है तो उसको घर पर आइसोलेट करने के लिए कहा जाता है कि घर पर जाकर जो है आप रहो 14 दिन तक, जो है बिल्कुल अलग कमरे में रहो, संपर्क कम से करो, कहीं बाहर ना जाओ, ये सब चीज़ें बताई जाती है। ये भी मॉनिटरिंग की जा रही है उस पेशेंट की जो यहाँ आ रहा है कि वो इसके पूर्व में किसके किसके संपर्क में रहा? बिल्कुल टोटल मॉनिटरिंग की जा रही है पूरी, उसकी जो है मेल कॉन्टेक्ट नंबर, उसको सीएमओ नोडल ऑफिसर को, सीएमओ के पास रहता है, यहाँ भी रहती है, और बाकायदे उस पेशेंट को यहाँ का नंबर दिया जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर जो है संपर्क कर सके। डॉक्टर साहब, अधीनस्थों को और आपकी पूरी टीम जो अलर्ट मुद्रा में है, सपोज दैट अगर कोरोना वायरस का कोई संक्रमित संदिग्ध अगर आता है तो उस समय के लिए जो स्टाफ है उनके लिए किस तरह की सावधानी है और किस तरह से ऑब्जर्व करना है उसे? हमारे सारे स्टाफ्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि स्वयं कैसे प्रिकॉशन लें, कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो इसको डिस्पोज कैसे करना है, पूरी सभी ट्रेंड स्टाफ यहाँ पर ड्यूटी लगे हुए हैं और बाकायदे उनको हर चीज़ की ज्ञान है कि हमें करना क्या है। तो इस तरह जो है यहाँ से कोई कंटामिनेशन और स्प्रेडिंग की कोई संभावना नहीं है, हमारे सारे स्टाफ जो है ट्रेंड। डॉक्टर साहब, छोटा सा सवाल, इसके सिम्टम क्या हैं कोरोना वायरस के, जो कि अभी भ्रम बना हुआ है जैसा कि बरसात भी हुई है। अमूमन हमारे इंडिया में, खास करके बनारस में, पूर्वांचल में बरसात के बाद सर्दी, खांसी, जुकाम, तो लोगों में भ्रम हो गया है कि कहीं कोरोना न हो, तो एक्चुअल में कोरोना के क्या लक्षण? सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। कोरोना वायरस ऐसा कोई चीज नहीं है कि हर जगह उग जाएगा। जब तक कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहता हो या उस एरिया से नहीं आ रहा हो जहां पर ये इन्फेक्शन फैल चुका है, तब तक उसको सर्दी जुकाम और खांसी को लेकर इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। बहुत से बीमारियों में सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण मिलते हैं, केवल एक चीज़ कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं रहे हैं, उस शहर से तो यात्रा करके नहीं आए जहां पर फैला हुआ है, तभी अगर उसके साथ में सिम्टम आ रहा है तब आकर यहां पर चेकअप के लिए आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब का, किसी प्रकार की कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो आप तत्काल अपने डॉक्टर से सलाह लें, चेकअप कराएं और कोरोना जैसे महावायरस से बचें। जैसा कि आपने देखा कि दीनदयाल अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था की गई है कोरोना वायरस की। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।